पिछले 18 दिन से लगातार युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर अहमदाबाद गुजरात में संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के दौरान 28 घंटे युवा बेरोजगारों को दो बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन युवाओं का हौसला नहीं टूटा। 150 किलोमीटर दांडी यात्रा निकाली, सड़कों पर सोए, मंदिरों में सोए, खुले में सोए, पैदल चले, छाले पड़ गए, बरसात में भीगे, धूप में परेशान हुए, लेकिन सरकार ने आज तक 18 दिन बीत जाने के बाद भी सुध नहीं ली। और कांग्रेस सरकार सपने देख रही है 2023 में कि सरकार वापस रिपीट होगी, लेकिन जब तक युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा, युवाओं के साथ धोखा होगा, तो कांग्रेस सरकार सपना देखना भूले। राजस्थान में 20 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर मैं लगातार निवेदन कर रहा हूं, आप अभिभावक हैं, युवाओं की पीड़ाओं को सुने। ये प्रायोजित आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन होता तो यह बीजेपी सरकार है। 28 घंटे युवा बेरोजगार को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और सवाल उठ रहे विपक्ष में भी कि विपक्ष भी भूमिका नहीं निभा रही, मौन है, चुप है। और जो और भी दल है जो दावा करते हैं कि हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे, वो युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर चुप क्यों है? युवा बेरोजगार सड़कों पर है, युवा बेरोजगार अवसाद में, युवा बेरोजगार रो रहा है, उसके बावजूद तमाम राजनीतिक पार्टियां, पक्ष विपक्ष सब चुप है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि किसी युवा बेरोजगार के साथ अनहोनी होती है, उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी आप और आपकी कांग्रेस सरकार होगी, क्योंकि हम गांधीवादी विचारधारा से संघर्ष कर रहे हैं, वाजिब मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो सरकार ने वादे किए थे। और हमने निर्णय ले लिया है, हम राजस्थान तब तक नहीं लौटेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी आप वार्ता के लिए नहीं बुलाओगे, समस्याओं का निस्तारण नहीं करोगे। हम राजस्थान नहीं लौटेंगे, यहां से लौटेगी तो केवल हम सबकी लाशें। हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, यही काली दिवाली बनाएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आपने वादे किए थे, जो लिखित समझौता किए थे, उन तमाम मांगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप जागिए, आप अभिभावक हैं, और युवाओं को न्याय प्रदान करिए।